हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं सुपर मीटियोर 650 की फर्स्ट सर्विस कराने। तो अभी बज रहा है सुबह का 8:30। थोड़ा जल्दी निकल गए थे घर से ताकि भीड़ ना मिले सर्विस सेंटर पे और जल्दी काम हो जाए। मौसम भी अच्छा था और क्या होता है कि ना थोड़ी देर में अगर निकलो तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है ठाकुरगंज वाली रोड पर, तो इस वजह से जल्दी ही निकल गए थे हम। जो सर्विस की ड्यू डेट थी वो 29 नवंबर थी, थोड़ा सा लेट हो गया, आज 5 दिसंबर हो गई है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, पर कोई नहीं, देखते हैं। और मौसम भी थोड़ा अच्छा था, बारिश वगैरह ज़रा सी हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं, दिख रहा होगा विंडस्क्रीन पे आपको। तो इसी वजह से हमने सोचा कि इस टाइम निकल जाते हैं, और अगर बाद में बारिश तेज़ हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। भाई जो एरिया है, जो मतलब बालागंज वाले शोरूम पे हम जा रहे हैं जहाँ हमें सर्विस करानी है, बाइक भी वहीं से ली थी तो सर्विस भी वहीं पे ही बनता है। कॉल भी कई सारी कॉल आ गई थी, मतलब गाड़ी के लेने के 15 दिन बाद 10 दिन बाद से ही कॉल आना शुरू हो गई थी कि भाई सर्विस आपकी जो है आप कराने आ जाइए जल्द से जल्द। तो यार अब टाइम मिल पाया है तो अब जा रहे हैं, और अभी 500 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं। यार शोरूम पहुंच गए और एज एक्सपेक्टेड शोरूम अभी खुला नहीं है। सबसे पहले हम ही यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कोई तो है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं कि कितनी देर में खुलेगा। ये देखो भाई सुपर मीटियोर 650 धूल खा रही है बुरी तरीके से। अब जिस बंदे की ये होगी अगर इस गाड़ी को देख ले तो उसका कितना मूड ख़राब हो, इस तरीके से रखा जाता है गाड़ी को। ये देखिए बाकी सब भी है अभी बुलेट हंटर, सबको ऐसे रखते हैं। इसको ढकवक के रखना चाहिए कम से कम, थोड़ा इसको थोड़ा ढकवक के रखना चाहिए गाड़ियों को। नई नई गाड़ियाँ बिल्कुल ब्रांड न्यू और इस तरह रखी हुई हैं। गाड़ी है 9 बजे एग्जैक्ट आ गए थे एम्प्लॉइज, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब इंस्पेक्शन हो के गाड़ी सीधे ऊपर जाएगी सर्विस सेंटर में, और वहाँ के एम्प्लॉय गाड़ी को वो खाली बैठ के देख रहे थे, उनको अच्छी लगी थी गाड़ी, बस सीट के बारे में पूछ रहे थे कि सीट कहाँ से ली है, कहाँ से बनवाई है। बस ग्राउंड क्लियरेंस। अब ये गाड़ी जा रही है सर्विस के लिए। कलीम भाई गाड़ी को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये भाई गाड़ी लग गई B1 पे, सबसे पहला नंबर है, और फौरन काम शुरू होएगा और जल्दी काम हो भी जाएगा। यही फ़ायदा होता है सबसे पहले आने का। और जो सर्विस की कॉस्ट बताई है हमें, फ़िलहाल कॉस्ट बोली गई है कि अप्रॉक्सीमेटली 3500 to 3600 पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये ऑयलिंग पड़ी, अब जैसे ये ऑयलिंग डाल रहे हैं यार, मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स तरीका है इनका ऑयल डालने का। सबसे पहली चीज़ ये ऑयल जो था वो एक प्रॉपर किसी डिब्बे वगैरह में नहीं था, ये खुला हुआ था। हालांकि उन्होंने जो ऑयल बताया वो ऑयल तो सही है, पर उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हम। उन्होंने बोला कि ड्रम्स वगैरह में रहता है और वहाँ से निकाल के लाया जाता है, लेकिन भाई कम से कम फनल वगैरह इन लोग को रखनी चाहिए ऑयल डालने के लिए। मतलब
क्या तरीका है जो समझ में नहीं आया। बहरहाल फिर भी एम्प्लॉयज़ वगैरह यहाँ के सही थे, तो सर्विस तो सही चल रही है फिलहाल। फर्स्ट सर्विस में बहुत सारी चीज़ें नहीं करी गई, सिर्फ इसमें ऑयल पड़ा है और साथ में ऑयल फिल्टर पड़ा है, एक गैसकेट वगैरह पड़ती है वो चीज़ हुई है, बाकी नॉर्मल वॉशिंग चेन की ल्यूबिंग और एयर वगैरह चेक करी है, बाकी सब चीज़ें नहीं हुई हैं। क्योंकि जो एस्टिमेट था वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, जब हमने उसको वेरीफाई किया कि यार ये सब चीज़ें तुमने करी नहीं इसमें, तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चीज़ें जो कंपनी उस पर वेबसाइट पर वगैरह पर शो करती है वो ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने फिर भी पूछ लिया अगर आप चाहें तो वो चीज़ कर लेंगे, लेकिन हमने कहा ठीक है अगर आप करते ही नहीं है किसी और बाइक में भी तो कोई बात नहीं, ना करिए काम चल जाएगा इससे भी। और तो जो लेटेस्ट कॉस्ट दोबारा से जो मैंने कैलकुलेट करवाई तो कॉस्ट जो निकल के आई वो 2500-2600 अप्रॉक्सीमेटली वो बता रहे हैं। हाँ साथ में ये पॉलिशिंग भी हुई थी, पॉलिश भी अब मतलब जैसे देखिए हाथ से ही निकाल के ये लगा रहे हैं, ये भी थोड़ा मतलब ये बालागंज वाले शोरूम में जो तरीके हैं इन लोग के ये थोड़े से अजीब हैं यार, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि बोतल काट के उसकी फनल बना के उससे ऑयल डाला जा रहेगा, तो थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगा। हालांकि इन लोग जैसे क्या होता है कि ज़्यादातर शोरूम पे आप जाएँ तो वीडियो वगैरह नहीं बनाने देते, पर इन लोगों ने ऐसा कुछ कहा नहीं, वीडियो वगैरह में कोई आपत्ति नहीं दिखाई, तो हमें वीडियो तो बना ली थी इसकी। बाकी स्टैंडर्ड प्रोसेस है, सब चीज़ें तो ठीक ही करी, एम्प्लॉयज़ थोड़े पोलाइट टाइप के थे, बात वगैरह करने का अंदाज सही था, जो भी चीज़ पूछ रहे थे उन्होंने बहुत अच्छे से बताई सारी चीज़ें। और अब ये बाइक हमारी बाहर आ गई है सर्विस कंप्लीट होके। कॉस्ट एंड में आपको जो पीडीएफ है वो हम दिखा देंगे, उसमें देख लीजिएगा। ये यार वहाँ पे ये बाइक दिखी थी मुझे, ये इस पर पैनियस लगे, ये मतलब रॉयल इनफील्ड की बाइक है, ये इसलिए रखी गई है ताकि अगर किसी को सर्विसिंग करानी है तो घर बुला के ही सर्विस करा सकता है, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो बहुत से लोग लेज़ी होते हैं जो गाड़ी भी लेके नहीं आ सकते शोरूम में, उनके लिए है जैसे हम, तो नेक्स्ट टाइम एक बार इसे ट्राई करेंगे, देखें क्या रहता है। सो ये रहा लास्ट बिल, जो फाइनल बिल था 2661 रुपये का बिल बना था, तो ये आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं क्या क्या काम हुआ इसमें। ठीक है वीडियो फिर यहीं तक रखते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू।